देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक राम जन्मभूमि, जिस पर फैसला आने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिले हैं। यहां से एक 4 फीट से बड़ा शिवलिंग भी उस हिस्से से मिला है जहां मलबा हटाने और समतलीकरण का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में ये पुरातात्विक महत्व के स्तंभ और खंडित मूर्तियां उस गृह भाग के नीचे मिली है जहां पर पहले से रामलला विराजमान थे। उस जगह पर राम मंदिर की नींव को तैयार करने के लिए क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए मलबे को हटाने के साथ साथ समतलीकरण का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए जो खुदाई होगी उसमें पुरातात्विक महत्व के और ऐसे कई साक्ष्य मिलेंगे जो सदियों पुराने राम मंदिर से जुड़े हो सकते हैं। इधर गर्भगृह के नीचे मंदिर से जुड़े अवशेष मिलने के बाद अयोध्या के साधु संत काफी खुश हैं। वे कहते हैं कि पुरातत्व विभाग और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सच साबित हो रहा है। इसके लिए पुरातत्व विभाग को वो धन्यवाद देना चाहते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी मंदिर से जुड़े ऐसे ही अवशेष मिले थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी है। ये सारी चीजें पिछले 10 दिनों की खुदाई के दौरान मिली है। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चनपत राय ने कहा कि जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि नया नहीं बन रहा है। मंदिर वहां पहले से था, केवल उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। ये नया कुछ भी नहीं है। मंदिर पहले कपड़े में था, अब कपड़ा हटाकर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। जो सरदार पटेल की भावना थी, जो शहर, अस्पताल, सड़कों के नाम बदलने वालों की भावना थी, वही भावना अयोध्या के समाज की निरंतर 1528 से चली आ रही है। अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा का निर्माण है। आगे इस मामले पर अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि का प्रमाण है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पुरातत्व के रिपोर्ट के आधार पर कि इससे पहले यहां कोई भव्य मंदिर था जिसको तोड़कर या उसके ऊपर ढांचे को खड़ा किया गया था। ये ज्वलंत उदाहरण है कि समतलीकरण करते समय ये सब अवशेष मिल रहे हैं। संभवतः राम जी की जो जन्मभूमि है, जो गर्भगृह है, उसके नीचे खुदाई हो तो और भी ज्वलंत उदाहरण मिलेंगे जो कि राम जन्मभूमि के प्रमाण को पुष्ट करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसका यह प्रमाण है और राम जन्मभूमि वही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आगे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि बहुत मूल्यवान सामग्री मिली है और ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में जो नकाशी हमारे मंदिर की होती थी, मंदिर का जो स्वरूप होता था और जो मंदिर में लगते थे वे सब अवशेष मिल रहे हैं। जिस समय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी उस समय रामलला वहां पर विराजमान थे। जहां पर रामलला विराजमान थे वहां पर खुदाई नहीं हो सकी थी और ना ही उसकी जांच हो पाई थी। इसलिए रामलला के हट जाने के बाद अब इसका समतलीकरण किया जा रहा है। जो वस्तु मिल रही है वो अमूल्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई अष्टदल कमल, कोई भगवान विष्णु के चक्र के समान, तो कुछ मूर्तियां खंडित हैं और उन मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं। सत्येंद्र दास ने कहा कि मैं समझता हूं कि उस समय भगवान राम की ही मंदिर नहीं बल्कि शिव का भी मंदिर वहां बगल में रहा होगा और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। इसलिए अब प्रमाण के रूप में जो अवशेष मिल रहे हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं। अवशेष के बारे में राम विलास दास वेदांती ने कहा कि राम जन्मभूमि के चिन्ह मिले थे, चक्र, शंख, गदा, त्रिशूल मिले थे। उसमें स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, अमृत कलश मिले थे। मंदिर की आकृति के बनावट के पत्थर मिले हैं। उन पत्थरों को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग ने यह कहकर नकार दिया था कि विश्व हिंदू परिसर वालों ने रख दिया है। अब जब खुदाई शुरू हुई और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं उनको तो विश्व हिंदू परिषद गाड़ नहीं रहा और ना ही विश्व हिंदू परिषद उखाड़ रहा है। वेदांती ने आगे कहा कि आज दुनिया के सारे मुसलमानों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको देख लें और दुनिया के मुसलमानों को बता दें कि यहाँ इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं मिला है, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं मिला है। जो भी चिन्ह मिले हैं वह भगवान श्री राम के हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पर अब कोई विवाद नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि खुदाई में तमाम सनातन धर्म से जुड़ी सामग्री मिल रही है। एसआईटी ने भी बताया था कि इसके नीचे कोई भवन, प्राचीन मठ, मंदिर है तो अब लोगों की आंख खुलनी चाहिए। लगातार लोग प्रमाण मांग रहे थे, अब यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमको लगता है 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रम आदित्य के तरफ से जो मंदिर बनाया गया था और विदेशी आक्रांता ने उसे तोड़ दिया था, अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द सेट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।